ये देखिए, इस पौधे के इतनी ब्रांचें निकली हैं और जितनी ब्रांचें निकली हैं उसमें से इनके छोटे छोटे पप्स निकले हैं और पप्स के साथ साथ रूट भी निकले हैं, जिसे हम तत्काल ही नया पौधा बना सकते हैं। अर्थात आपके पास अगर एक पौधा है तो देखिए इससे कितने हम पौधे बना सकते हैं। ये सारी तैयारियाँ हैं पौधे बनने के लिए। ये जो इतने आसानी से ग्रो होने वाले और किसी से बच्चे भी इसको देख करके ग्रो कर लेते हैं और डेवलप कर लेते हैं। इस प्लांट का नाम स्पाइडर प्लांट है, क्योंकि मकड़ियों की तरह इसके जाल फैल जाते हैं। आप देखें किस तरीके से जाल फैल गए। एक पौधे से अभी अगर हम गिनती करेंगे तो कम से कम 50-75 पौधे इससे बन जाएंगे। इसका बॉटनिकल नेम क्लोरोफाइटम है। आज हम बात करेंगे इसी को कैसे हम प्रोपगेट करें, एक से दो और दो से चार कैसे बनाएं, और इन सर्दियों में इसकी देखरेख कैसे करें कि आपके घरों में भी इसी तरीके से एक पौधे से देखिए कितने पौधे तैयार हैं। ये हम आपसे जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। आज मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूँ, स्पाइडर प्लांट की, जैसा मैंने आपको कहा, ये छोटे छोटे देखिए कहीं कितने कितने पप्स निकले हुए। मैं आपको अगर एक एक तोड़ तोड़ के दिखाऊं तो इनसे बहुत सारे प्लांट बनेंगे। ये इस तरीके से इनकी जड़ें आ जाती हैं, और कोई भी अगर घर का छोटा बच्चा है तो उसका भी इसमें इंटरेस्ट है कि इसको यूँ लगाया और पौधा तैयार है। वो सारी विधि मैं आपसे बात करता हूँ। सर्वप्रथम तो ये है कि ये बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफाइंग प्लांट होता है, नासा द्वारा अप्रूव्ड है। इसे आप घर के अंदर रखें, सर्दियों में थोड़ी इसकी देखभाल करें। सबसे पहले हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, आप इसे इंडोर रखिए। इंडोर में वहाँ रखिए जहाँ आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट हो, हवा का आना जाना क्लियर हो, और दो चार दिनों के बाद इसे फिर थोड़ा सा बाहर शाम के समय रख दीजिए, सुबह फिर अंदर रख लीजिए, क्योंकि ये सेमी सनलाइट का है, बहुत ज़्यादा धूप इसे पसंद नहीं है। तो इसके रख रखाव में एक बात का ध्यान रखें कि इसे कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ थोड़ी मीठी धूप आती हो। जैसे मैंने इस पेड़ के नीचे देखिए कितने सारे लगा रखे हैं। इस तरीके से कहीं भी छाए में, अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो कोई ग्रीन नेट हो, अथवा जब अभी तो आप घर से उसे बाहर भी निकाल दीजिए, बिकॉज ना कहीं भी सर्दियों में एक घंटा दो घंटा ही धूप आती है, उतनी धूप ये प्यार से बर्दाश्त करता है और उतनी धूप में ये इसी तरह खिला खिला रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे खुली हवा पसंद है, ब्राइट लाइट पसंद है, कड़ी धूप नहीं पसंद है। अगर हम बात करें इसमें वाटरिंग की, देखिए वाटरिंग इसमें दूसरे तीसरे दिन की जाती है गर्मियों में। अब सर्दी का दिन है, वेल ड्रेनेज सॉइल इसके लिए बनना चाहिए। आप कृपया इस तरीके से मिट्टी को देख लें, नमी इसके मिट्टी में होनी चाहिए, चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। उतना नमी के हिसाब से तीसरे चौथे दिन विंटर के समय में आप पानी इसमें डाल सकते हैं। देखें कि आपने कहाँ रखा है उसके हिसाब से। और एक बात, इनकी पत्तियों को थोड़ा सा भींगा हुआ और मॉइस्ट इनको पसंद है, तो इनकी पत्तियों पे आप इस तरीके से हर समय पानी का थोड़ा थोड़ा छिड़काव करते रहें दूसरे तीसरे दिन। इसके और भी फायदे होते हैं। एक तो इसके ऊपर जो डस्ट चिपकी होती है वो हट जाती है, फोटोसिंथेसिस इसको करने में आराम मिलता है, तो ये पौधा और खिला खिला रहेगा। और इसकी जड़ों में भी इस तरीके से पानी डालें। ये तो हो गई वाटरिंग की, प्लेसमेंट की बात हो गई। अगर हम बात करें इसमें फर्टिलाइज़र डालने की, देखिए होता क्या है, ये पौधा इस तरीके से पूरे गमले को भर लेता है, इसमें कहीं जगह ही नहीं पता चलती है फर्टिलाइज़र कहाँ डालेंगे। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जब भी हमें फर्टिलाइज़र डालना है तो इसे हम इस तरीके से हल्का हल्का गोड़ाई करें, हल्की हल्की गोड़ाई करें, और सीवीड एक्सट्रेक्ट का ग्रेन्यूल्स अच्छी कंपनी का आपके पास मिल जाएगा, आसपास में ऑनलाइन मिल जाएगा, ये ले लें। और ये लगभग 8 से 10 इंच के पॉट हैं, इसमें लगभग एक चम्मच इतना सा होगा, 7-8 ग्राम होगा, इसकी जड़ों में इस तरीके से आप फैला दें और ऊपर से वाटरिंग कर दें। इतना ही इसमें फर्टिलाइज़र डालने का स्कोप है, बिकॉज ये जगह बिल्कुल भर लेता है। दूसरा तरीका, सीवीड एक्सट्रेक्ट के जो लिक्विड आते हैं, ये सीवीड एक्सट्रेक्ट का लिक्विड आता है, इसका 5 ml मेजरिंग कैप भी होता है इसके साथ में, और उसका 5 ml हम लेंगे 1 लीटर पानी में। बोतल को पहले अच्छी तरह सेक करके हिला लिया, ये 5 ml मुझे अंदाज है, आप इसके ऊपर मेजरिंग कैप है उससे नाप के लें और खूब अच्छी तरीके से इस बोतल को हिला लें। 15-20 दिन के बाद एक बार इनकी पत्तियों पे और इनकी जड़ों में इस तरीके से स्प्रे करें, तो इनकी पत्तियों को भी वहाँ से
अच्छा पोषक तत्व मिलेगा और इनकी पत्तियां खिली खिली प्यारी प्यारी रहेंगी। जो लिक्विड आपके पास बच जाए उसको थोड़ा सा इनकी जड़ों में भी डाल दें। एक और हम काम कर सकते हैं, ये इप्सन सॉल्ट है, मैग्नीशियम और सल्फेट दोनों ही है। इसका मेन मुख्य कार्य है कि किसी भी पौधे की जड़ों को मजबूत करना, अपना खास रंग है उनको ग्लेज करना, चमकाना, उनको अच्छा करना। ये एक लीटर मैंने पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे 5 ग्राम इप्सन सॉल्ट, एक चम्मच छोटे चम्मच से टीस्पून से। इनको इनकी पत्तियों पर इस तरीके से स्प्रे करना है, हमने इनकी टहनियों पर स्प्रे करना है, इप्सन सॉल्ट को इनकी जड़ों में स्प्रे करना है। इससे इनकी पौधों की ग्रोथ में अच्छा होगा, पत्तियों का कलर अच्छा होगा, फोटोसिंथेसिस आराम से कर पाएंगे और इनकी जड़ें मजबूत होंगी। ये तो हो गई हमारे फर्टिलाइज़र की। एक पौधे से ये जो इनकी तने निकलती हैं और उससे इतने सारे प्लांट बन जाते हैं, देखिए कितने झुंड के झुंड बन गए हैं। ये एक पौधा बन गया, इस तरीके से एक पौधा बन गया, मैं इनको काटता जाऊँगा और ये पौधे बनते जाएंगे, ये देखिए। तो इनको भी हम प्रोपेगेट करते हैं, 1 से 2 और 2 से 4 बनाते रहते हैं। और इनको फिर आप अपने घरों में एक पौधा ले आया है तो आपके पास सैकड़ों पौधे बन जाएंगे 6 महीने के अंदर में। इसे आप गिफ्ट करें, अपने घर में रखें, जैसे चाहे बनाएं। इनको जब प्रोपेगेट करने के लिए हमने शाखाओं से काट लिया है तो इनमें रूट आ चुकी है। अब इनको पानी में रख करके रूट लाने के लिए आवश्यक नहीं है हमें, इसे डायरेक्ट भी इस तरीके से देखें धागा की तरह कितने मोटे मोटे रूट्स आ गए हैं। तो मैंने इसके लिए जो सोयल बनाया है उसमें बस हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा, पहले मैंने सॉइल भर के रख लिया है और 4 इंच के पॉट में पहले लगाऊंगा मैं इसको। जब ये और ग्रो कर जाएगा तो मैं इसके बड़े पॉट में अथवा हैंगिंग बास्केट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। देखिए इस तरीके से सिंपल, बिल्कुल साधारण है, ये जड़ें हैं इनकी, इन जड़ों को इस तरीके से पॉट को भर लिया मैंने और इसमें हमें ये लगा दिया है। इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, जैसा मैंने आपसे बताया वेल ड्रेनेज मिट्टी होनी चाहिए। तो इसकी सॉइल में मैंने मिलाई है गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा नीम की खाद और इसमें हमने थोड़ा मिलाया है कोकोपीट, क्योंकि पानी को रोक के रखे, थोड़ा ठंडक दे। परलाइट अगर आपके पास है तो वो थोड़ा मिलाइए, इप्सन साल्ट मिलाया मैंने और थोड़ा फंगीसाइड मिलाया बराबर की तरह। इन सबको मैंने अच्छी तरीके से मिला करके तब ये सॉइल बनाया था, जो ये सॉइल है देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब मैंने इसमें इसको लगा दिया, कुछ भी नहीं करना, और हल्का हल्का वाटरिंग करके 2-4 दिनों के लिए इनको केवल सेमी सनलाइट में रख दूंगा, ऐसी जगह जहाँ ज़्यादा धूप ना आती हो। फिर इसको निकाल के आप कहीं भी रख दीजिए। जब 15-20 दिन के बाद और इसके रूट अच्छे हो जाए तो चाहो तो आप इसे बड़े पॉट में लगा लो, चाहे हैंगिंग बास्केट बना लो, किसी भी तरह लगा सकते हैं। आज मैंने आपके साथ साझा किया स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम की सारी बातें, इसके रखरखाव के विषय में, कैसा इसे सॉइल चाहिए, कैसा इसे एटमॉस्फेयर चाहिए, अर्थात कहाँ इसे प्लेसमेंट दें हम, कहाँ इसे हम जगह दें रहने के लिए, किस तरीके से वाटरिंग करें इसमें और क्या क्या इसमें फर्टिलाइज़र दें, ये सारी बातें की। और इसका प्रोपेगेशन हम कैसे करें, 1 से 2 और 2 से 4 बहुत आसान और साधारण विधि से हम कैसे बनाएं। आशा है स्पाइडर प्लांट के रख रखाव के बारे में सारी बातें आपके मतलब की होंगी, आपके काम की होंगी और आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है अपने उन लोगों के पास मेरा यह वीडियो अवश्य शेयर करें जो पौधे के शौकीन हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम शेयर करते हैं अपना अनुभव पौधों के बारे में, हर वो जानकारी जो पौधे कैसे होने चाहिए, कैसे रखरखाव करने चाहिए, कौन सा वास्तु का पौधा है और कौन सा पौधा हमारे घर में हवा साफ करता है। धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।